को ऐसे देखकर और सुनकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि ये कई ऐसे संगीन आरोपों के घेरे में है जिसे कानून की किताब में अपराध और आस्था की निगाहों में पाप कहते हैं। दो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले स्वामी नित्यानंद की एक सीडी ने देश भर में खलबली मचा दी। आश्रम में एक व्यक्ति की मौत। स्वामी नित्यानंद के आश्रम में कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। चंदन की लकड़ी पर गैर कानूनी कब्जा। स्वामी नित्यानंद पर 21 किलो बेहद महंगी चंदन की लकड़ी पर अवैध कब्जे का आरोप भी है। आर्थिक धोखाधड़ी। स्वामी नित्यानंद पर चेन्नई में बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी का भी आरोप है। जमीन पर अवैध कब्जा। स्वामी नित्यानंद पर जमीन के अवैध कब्जे का भी आरोप है। स्वामी नित्यानंद पर ऐसे संगीन आरोप लगे हैं जिनके साबित हो जाने पर सलाखों के पीछे लंबी सजा का प्रावधान है। बेंगलोर से इमरान कुरैशी और रोहिणी स्वामी और प्रियंवदा के साथ आज तक ब्यूरो। ये बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी हैं। इन्हें दिल्ली की गर्मी रास नहीं आई। बीजेपी की महारैली के बाद संसद तक मार्च के लिए तो बढ़ गए, लेकिन रैली स्थल से चंद किलोमीटर दूर रंजीत सिंह फ्लाईओवर के बाद पुलिस ने जब बीजेपी नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया, ऐसे में चिलचिलाती धूप ने रंग दिखा दिया। गश खाकर गडकरी गिर पड़े। अब गडकरी का गिरना ही था कि नेताओं का रैली का जोश छूमंतर हो गया। नेताओं को पहुंचना था जंतर मंतर, लेकिन रैली को पहले ही खत्म कर दिया गया। बाद में बीजेपी को सफाई देनी ही पड़ी। थोड़ा गर्मी के वजह से इतना बड़ा मीटिंग के बाद होना, ऐसे होना संभव है, नेचुरल है, बट ही इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी उनके स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। गडकरी गर्मी से गश खाकर गिर पड़े। उन्हें ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि दिल्ली की राजनीति हो या गर्मी, उसे झेलना आसान नहीं होता। कैमरामैन सुधीर और कपिल शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। पूरे रोड पर जो जाम लग गया है और उसमें स्कूली बच्चे भी फंसे हुए हैं। बेटा कब 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 से निकले हो आप स्कूल से? छुट्टी कब हुई थी? 1:30 पे। क्यों नहीं पहुंचे हो? क्योंकि यहाँ पे अभी रैली हो रही है। जाम लगा हुआ है, कितनी देर से लगा है जाम? ये 1-2 घंटे से लगा हुआ है। ये था रणजीत सिंह फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक का हाल, जहां झुलसती गर्मी में बच्चे 2 घंटे से फंसे हुए थे। जाम की वजह से परेशान होने वालों में ऐसे लोग भी थे जिन्हें अपनों को लेकर अस्पताल पहुंचना था। इसके पहले बुधवार सुबह को दिल्ली की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लग गया, खासकर दफ्तर के लिए निकले लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। राजघाट, शांतिवन, सुभाष मार्ग, ITO, निजामुद्दीन भैरव मार्ग और अक्षरधाम में भारी जाम लगा रहा। बीजेपी की रैली की वजह से पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और गाजीपुर चौक पर भी सुबह से भारी जाम। गरिमा शर्मा और कपिल शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। इतनी बड़ी संख्या में लोग देश भर से आए। ये दो तस्वीरें गवाह हैं बीजेपी के बदलते चेहरे की। पहले हुई ऐसी रैलियों में चप्पे चप्पे पर नेताओं की तस्वीरें ही नजर आती थीं। जाहिर है संघ नहीं चाहता कि अटल और आडवाणी की तरह किसी भी नेता का कद इतना बड़ा हो जाए जिसके आगे पार्टी भी वो नहीं नजर आए। बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आएगा तो इस सरकार के भविष्य के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। पार्टी ने जता दिया कि अब महंगाई के मुद्दे पर वो सरकार को नहीं बख्शने वाले। बात कर रहे थे सरकार आने के बाद महंगाई जब होने की बजाय बढ़ी हुई है। महंगाई पर महारैली कर बीजेपी ने सरकार को चेतावनी भी दे डाली और पूरे परिवार को ये संदेश भी दे दिया कि नए और युवा नेतृत्व के हाथ में भविष्य सुरक्षित है। कैमरामैन सुधीर और संजय शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।